दादरपुर के नायगांव में एक सड़क के आधिकारिक नामकरण ने स्थानीय लोगों को नाराज कर दिया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व पार्षद उर्मिला पांचाल ने नए नाम का प्रस्ताव करने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया। ये विवाद व्यागेश्वर मंदिर के किनारे सड़क के नामकरण को लेकर है। वर्षों से स्थानीय लोगों ने इसे व्यागेश्वर मंदिर सड़क के रूप में जाना, लेकिन बीएमसी ने 7 मार्च को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस निरूपण कर नाना साहिब धर्माधिकारी सड़क के रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे स्थानीय निवासियों की नाराजगी बढ़ गई है। कई सालों से ये सड़क की पहचान व्यागेश्वर मंदिर के नाम से ही हो रही है। इस सड़क को एक और नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, एक निवासी ने ये कहा। वहीं बीएमसी का कहना है कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया था और बीएमसी ने सड़क के नामकरण के बारे में एक नोटिस भी प्रकाशित किया था, लेकिन तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अब कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन सभी स्थानीय लोग इसका विरोध नहीं करते। दिशा निर्देशों में पार्षदों को सड़कों आदि के नामकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि नागरिक निकाय में हर साल 300 से अधिक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। फरवरी से 7 मार्च के बीच इस तरह के लगभग 100 प्रस्ताव पारित किए गए थे। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।